इसका नाम डॉलर रहता है, लेकिन हर देश की करेंसी के हिसाब से इसको बेचा जाता है। ये मत सोचे कोई भी इसे डॉलर में ही आपको मिलेगी, बट इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा डिफरेंट और यूनिक है। अब आप मुझे आज दूसरा दिन है और सारी की सारी मछलियाँ आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से हैं। जैसे कि ये पिछली बार के अनबॉक्सिंग में अपन लोग देखे थे रेड टाइगर बार्ब और ग्रीन टाइगर बार्ब, उसके साथ में जो कल रात में मैंने फिशेस निकाली थी, मिल्की कॉर्प नहीं आया था पिछली बार, सेवरम बड़ा साइज का नहीं आया था, येलो सेवरम है। अभी देखने में थोड़ा सा अलग लग रहा, थोड़ा सा स्ट्रेस की वजह से कलर बस फेड है, बाकी एक्टिव है, सारे के सारे हेल्थी हैं। और ये पोलार ब्लू बैरेट के साथ में बहुत अच्छे तरीके से रह रहे हैं। ब्लैक एंजल बड़ी साइज की, मार्बल एंजल, कॉर्प, रैंकिन गोल्ड छोटी साइज की आई हैं, नॉर्मल वाली टाइगर बार्ब्स जो कि पिछली बार नहीं आई थी, शार्क बड़ी साइज़ की देख लें, और काफ़ी पीसफुल तरीके से, मतलब सारी मछलियों का स्टॉक बहुत ही बढ़िया आया हुआ है, और जो स्टॉक पिछली बार नहीं आया था वो भी आ चुका था। चलिए देखते हैं इनकी सारी अनबॉक्सिंग। ड्राई आइटम में कुछ आइटम इस बार नहीं आ पाए थे तो वो अभी फिर से मेरे पास नेक्स्ट डे पहुँच जाएंगे। तो ये हैं वो चीज़ें जिनकी वजह से मंगाना पड़ा था इतना सारा सामान। इसमें आप लोगों को पता है कि क्या क्या है, मुझे पता ही नहीं है। ये कुछ टॉयज़ हैं कोलकाता वाले, पूरा का पूरा माल कोलकाता का है, कोलकाता के प्लांट्स टॉयज़ बिल्कुल यूनिक वेटेड और डिफरेंट होते हैं, जो कि मैं लिमिटेड मंगाता हूँ बिकॉज ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी होते हैं। कुछ प्लांट्स टॉय भी काफ़ी यूनिक हैं। उसके बाद ये लाइटें हैं ज़िलोंग कंपनी की, मल्टी कलर लाइट है। तो अब देखते हैं कुछ मछलियाँ कौन कौन सी हैं, उसके बाद सारी मछलियों को अपन लोग अनबॉक्स करके देखते हैं और जानते हैं कौन सी मछली किस मछली के साथ में रहती है। जैसे कि देख रहे हैं नॉर्मल टाइगर बार्ब, ये गोल्ड नॉर्मल। मछलियों को एक्वेरियम में डालने के पहले इनका टेम्परेचर ज़रूर मिला लें, स्पेशली ये ठंडी का सीज़न हो या गर्मी का सीज़न हो। और दूसरा ये ध्यान रखें बिल्कुल कि कौन सी मछली को कौन सी मछली के साथ में रहना है, जल्दबाजी हो या कुछ भी हो। आप लोग देख सकते हैं तो हज़ारों मछलियाँ हैं और इसको काफ़ी पेशेंस के साथ काम करना होता है। पोलार ब्लू प्लैटिनियम पैरेट, गोल्ड, गोल्ड गोल्ड वैरायटी कुछ ज़्यादा ही आई है। कई बार पार्टी के पास स्टॉक जिस चीज़ का ज़्यादा होता है वो लोग ना मंगाओ उन चीज़ों को फिर भी भेजते हैं, उनकी मजबूरी भी होती है क्योंकि उनके पास जो स्टॉक रहता है तो वो स्टॉक को वो करेंगे क्या, किसे देने जाएंगे। एंजल बड़ी साइज़ की, ब्लैक मार्बल एंजल बहुत अच्छी आई है। डॉलर्स बहुत दिनों बाद आई है, बहुत मस्त साइज़ का डॉलर है, खोल के दिखाता हूँ आप लोग वीडियो देखते रहो। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूला करें आप लोग। ये सेवरम येलो सेवरम है, बहुत बहुत गजब का सेवरम आया हुआ है, बहुत कम आता है, आते हैं बट छोटे छोटे, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मेरे पास ये तीन हैं। अभी इनमें टेटरबीट खिला खिला के कलर लाने की कोशिश कर रहा हूँ बट अच्छे से आ नहीं पा रहे। तो कुछ इसी तरीके से मैं बाकी की फिशेस निकालता हूँ और वन बाई वन आपको टैंक पे डाल के दिखाता हूँ, कुछ बारे में बताऊँगा उनके। तो शुरुआत हो रही है गोल्ड फिश से, और गोल्ड फिश जानते हैं सबसे कॉमन फिश होती है जो कि यूनिक कलर में होती है, जो कुछ एक डिफरेंट लुक लाती है एक्वेरियम का भी, और ये काफ़ी चीपेस्ट और इजीली मिल जाती है हर एक एक्वेरियम शॉप में और हर एक जगह सबसे पहले गोल्ड फिश ज़रूर मिले। लेकिन ये उतनी ही ज़्यादा नाजुक होती है, उतनी ही ज़्यादा इसको केयर की ज़रूरत होती है, उतना ज़्यादा इसमें थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है किस चीज़ों में, कि हम सिर्फ लापरवाही ना करें, बाकी रहती नेचुरल। जैसे बड़े टैंक में रखें, बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का फिल्ट्रेशन सिस्टम चाहिए, पानी की क्वालिटी बहुत अच्छी हो, और थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है इसमें कभी 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 पैरासाइट्स वगैरह ना लगें। इसके साथ में गोल्ड की वैरायटी में गोल्ड गोल्ड ही रखें, हमें ऐसा सजेशन यही देता हूँ। ये रैंकिन गोल्ड फिश हैं, काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल प्यारी और छोटी भी हैं और रेट भी बहुत अच्छे हैं। ये दोस्तों मौली फिश है, ये मौली फिश के बारे में आप लोग जानते होंगे, प्लांटेड टैंक में, पॉन्ड में और कई सारी जगहों पर कोलकाता वगैरह में आप लोगों को नॉर्मल गड्ढे वगैरह में मिल जाएगी देखने के लिए। मॉस्किटो लार्वास वगैरह भी खाती हैं, जैसे डेंगू वगैरह के होते हैं, तो बहुत सारी जगह में आप लोग इसे पॉन्ड आउटडोर इंडोर बनाया तो उसमें डाल सकते हैं, उससे पानी आपका साफ रहेगा, किसी तरह की कोई कीटाणु बैक्टीरिया उसमें पैदा नहीं होते। देखने में भी काफ़ी सुंदर होती है, बहुत जल्दी ब्रीड करती है, डायरेक्ट बच्चे देती हैं, कई बार ये अंडे भी देती हैं। ये वेल टेल एंजल फिश है, कोई एंजल फिश ही बोलते हैं ये, आप लोग पिछली बार भी देखे होंगे मेरे पास आई हुई थी जो कि पिछला स्टॉक है, इस बार भी फिर से आई है, बट इस बार ये थोड़ा सा छोटी है,
ये इसके साथ में मेरे पास एक बेटा फिश का पिछली बार बहुत ज़्यादा स्टॉक था, तो मैंने इसमें रखा हुआ था। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर लोग आया करते थे मेरी शॉप में, देखते थे तो बोलते थे भाई इस एंजल फिश के साथ बेटा फिश भी रह रही थी, काफ़ी पीसफुल तरीके से रह रही थी, बहुत अच्छे तरीके से रह रही है। आज आप लोगों ने देखा होगा मैंने गोल्ड फिश वाले टैंक के ऊपर कई सारे 5 टैंक एक्स्ट्रा बनाए हैं बेटा फिश के, उनमें फिर मैंने आज इसको डाला, बट वो फिश बिल्कुल सेफ थी, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बट मैं सारी एंजल फिश के साथ उसे रखने की सजेशन देता हूँ, इसके साथ इसके लिए दे सकता हूँ क्योंकि काफ़ी पीसफुल और स्लो मूविंग है और ये अटैक नहीं कर रही थी। इस पर कॉमन ऑरेंज कॉर्प है, ये आप लोग देख सकते हैं। पहले तो इसमें कुछ इम्पोर्टेड कोई कार्प हैं जो कि वाइट कलर और रेड कलर में आती हैं, और जो नॉर्मल कार्प होती है वो येलो और ब्लैक ज़्यादातर होता है, और यह तो पूरी ऑरेंज होती हैं जो इस पैकेट में है। इसमें साइज़ के अकॉर्डिंग थोड़ा सा रेट इनके ज़्यादा होते हैं, पर बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं होता, मतलब कि लगभग कॉमन फिशेस में काफ़ी अच्छी है, जिसे ख़रीदा जा सकता है गोल्ड, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग फिशेस में भी बहुत सारे लोग लेते हैं। इनका ग्रुप भी काफ़ी ज़्यादा कम्युनिकेशन अच्छा बनाया जा सकता है, जैसे सार के साथ में बहुत अच्छे से रहती है, सिल्वर सार के साथ में भी रहती है, गुरामी वगैरह के साथ में रहती है, कई बार तो गोल्ड वगैरह के पैरेट के साथ भी बहुत अच्छे तरीके से रह लेती है। कीमत भी इनकी बहुत कम होती है, लगभग 150-180 रुपीज़ पेयर। हर फिशेस को खोल रहा हूँ, इनके नाम तो बहुत सारे हैं बट एक्वेरियम में तो पाला ही जाता है, और काफ़ी अच्छी होती है, जैसे बड़ी होने के बाद बड़े टैंक की एक अलग ही शोभा बढ़ा देती है और बना देती है। मेरे पास पिछली बार इन्हें काफ़ी छोटी साइज़ की थी, इस बार आई हुई है काफ़ी बढ़िया और बड़ी साइज़ की है, बहुत ना बड़ी है ना बहुत छोटी है, मीडियम साइज़ में है, देख सकते हैं काफ़ी फ्रेश और काफ़ी बेहतरीन क्वालिटी की हैं। दो तरह के, एक एल्बिनो हैं और ब्लैक दोनों हैं, और इसे मैं एक सेपरेट टैंक में रखा हुआ हूँ अलग से। एकदम सही शार्क हैं, अगर ये गड़बड़ होती है तो टैंक में डालते साथ ही पलटने लग जाती हैं। तो ये बार्ब फिशेस हैं जिसमें टाइगर बार्ब है, ये बहुत ही मतलब स्टार्टिंग कहा जाए तो सबसे लो बजट से स्टार्ट हो जाती हैं, स्कूलिंग करने के नाम पे भी काफ़ी फेमस हैं, थोड़ा सा फिन निबर भी होती हैं, इतनी तेज़ होती हैं कि मतलब गोल्ड वोल्ड के साथ न रखें, छोटी देखने में ज़रूर होती हैं, बहुत बहुत कम फिशेस के साथ ही रह पाती हैं, बट अपनी वैरायटी बहुत सारी रह लेती हैं। ये कहा जाए तो इसका स्टार्टिंग होता है जो कि 25 रुपए से होती है, बट इसके आजकल वेरिएंट आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे ग्रीन टाइगर बार्ब, रेड टाइगर बार्ब, आजकल ये बड़ी सारी ब्रीड हो चुकी हैं, हाईब्रीड हैं, जो कि कलर भी इसमें बहुत सारे आने लगे, बट ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव होती हैं, 80 रुपीज़ पेयर, 200 रुपीज़ पेयर, 60 रुपीज़ पेयर होते हैं। अब आप लोग देखने जा रहे वाले हैं ब्लू गुरामी, 3 स्पॉटेड गुरामी, ये मछली बहुत ज़्यादा ऐसी है स्ट्रॉन्ग होती है जो बिना ऑक्सीजन तक में रह लेती है लो फिल्ट्रेशन सिस्टम पे। अभी जो फिश मैं दिखाने वाला हूँ आप लोगों को डॉलर, वैसे इस मछली के नाम पुराने ज़माने से बहुत पहले से डॉलर है, लेकिन ये आज भी पैसे में ही बिकती है, मतलब हर देश में इसका नाम डॉलर रहता है, लेकिन हर देश की करेंसी के हिसाब से इसको बेचा जाता है, ये मत सोचे कोई भी इसे डॉलर में ही आपको मिलेगी। लेकिन ये साइज़ जो इसका बहुत ही मस्त साइज़ मैं कहूँगा, ये थोड़ा सा पीसफुल भी होती है और थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग भी होती है, मतलब थोड़ा सा शांत मछली के साथ भी रह लेती है गोल्ड के ऊपर, और थोड़ा सा ये ख़तरनाक मछली के साथ भी रह लेती है जो बहुत तेज़ होती हैं, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा तेज़ मछली के साथ में रखने का सजेशन बिल्कुल भी नहीं देता हूँ। टिन फाइल बार्ब हो गया, जैसे कॉर्प हो गई, सिल्वर सार्क, कुछ इस तरीके के ग्रुप्स में ये बहुत अच्छे तरीके से सेटल हो जाती हैं पैरेट वगैरह के साथ, ऐसी साइज बहुत कम आती है, कई सारे लोग उनसे डिमांड कर रहे हैं, जिन्हें चाहिए हो जिन सब्सक्राइबर्स को, तो आके फटाफट ले जा सकते हैं। तो ये मार्बल एंजल है, ये वही एंजल है जो थोड़ा सा एग्रेसिव होती है और जिसको सजेशन नहीं देते कि आप, जैसे मैं दूसरी कोई एंजल दिखा रहा था उसके बाद बेटा फिश रख दिए थे, बट इस एंजल के साथ में ऐसा नहीं करना चाहिए। एंजल में भी सार के जैसे और गोल्ड के जैसे, कॉर्प जैसे बहुत वैरायटीज़ आती हैं, तो आप लोग चाहें तो एक ही ग्रुप की बहुत सारी एंजल रख सकते हैं। पोलर ब्लू पैरेट, ये ब्लू नहीं है, ये प्लैटिनम कुछ वाइट कलर टाइप की हैं, जिनकी क्वांटिटी काफ़ी अच्छी है, मतलब थोड़ा चेंज हो गया, किसी को पोलर पैरेट चाहिए हो तो ले सकते हैं, कोई डिफरेंट यूनिक, काफ़ी हेल्थी, स्वस्थ और छोटी साइज़ की, 100 रुपीज़ इच। मिल्की कार्प पिछली बार नहीं थी जो कि इस बार आ गई, कार्प का जैसे मैं बताया कि जैसे एंजल ग्रुप होते हैं वैसे कार्प के भी होते हैं, तो इसी कार्प के ग्रुप के साथ सारे मिल लग जाए, कोई कार्प हो या इम्पोर्टेड कार्प हो, जापानीज कार्प हो, नॉर्मल कार्प हो, सबके साथ में एडजस्ट कर लेती है, बट इसे मिल्की कार्प कहा जाता है, बेसिकली बहुत अच्छी होती है। सेवरम बहुत ही बढ़िया साइज़ के हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी, वो भी येलो सेवरम है, जो कि सारी मछलियों के साथ में नहीं रहती, गोल्ड के साथ में तो नहीं रहेगी। तो ये येलो सेवरम है, अभी आप लोगों को वाइट दिख रही है, अभी इनकी फीडिंग वगैरह अच्छी होगी, थोड़ा स्ट्रेस में भी हैं, साइज़ बहुत परफेक्ट आए हुए हैं, काफ़ी हेल्थी और स्वस्थ हैं, टेट्रा बीट्स खाएंगी, थोड़ा टेम्परेचर हाई रखेंगे, ये बहुत सारी मछलियों के साथ रह लेती है, बिल्कुल गोल्ड ग्रुप पे बिल्कुल नहीं रहती, और चिशिल्स के साथ में लगभग सारे के साथ में रह लेती हैं।
इसका थोड़ा सा देखने में लुक पैरेट और डिस्कस टाइप का लगता है, काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय मछली। इसी की ग्रीन सेवरम भी आती है, बट वो बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आती, वो काफ़ी डरी डरी सी रहती है, बहुत तेज़ भागती इधर उधर, छुप के रहती है, जितना छुपती नहीं थोड़ा सा सामने सामने रहती है, जैसे पैरेट्स वगैरह होती हैं, पोलार ब्लू पैरेट वगैरह उन्हीं की जैसे सेप होती है। इसका जैसे मैंने छोटा पहले दिखाया था, बड़ा आप लोग अभी देख रहे हैं, और आते साथ खेल रही, भाग नहीं रही, डर नहीं रही, काफ़ी अच्छा लगता है। इसकी कीमत थोड़ा सा ज़्यादा होती है, ये लगभग इस साइज की सेवरम येलो सेवरम 400 रुपीज़ पेयर तक होती है। इस बार मेरे पास रेड गप्पी आई हैं, पिछली बार टाइगर गप्पी आई हुई थी और बड़ी सारी गप्पियाँ आई थी, मतलब मिक्स थी, बट ये सारी की सारी रेड गप्पी हैं और ये काफ़ी मस्त साइज और क्वालिटी की हैं, सारी की सारी मेल हैं। इनको प्लांटेड टैंक में रखने में बहुत अच्छा रहता है, साथ साथ ये मॉस्किटो लार्वास भी ईट करती हैं, और उसके साथ में अगर कोई पॉन्ड वगैरह ओपन पॉन्ड है उसमें आप रख सकते हैं। इसका रीज़न ये है, ये ऊपर से ही बहुत शानदार दिखती हैं और सामने से जो दिखती हैं, तो पॉन्ड या मिनी पॉन्ड टब वगैरह कुछ भी आप बनाते हैं तो उसमें भी इनका व्यू और लुक काफ़ी अच्छा आता है, और उसके साथ साथ में ये आपको उसमें भी दिखेंगी फ्रंट से भी। ये मौली के साथ में तो रहती है, मौली गप्पी नाम ही है, ये भी डायरेक्ट बच्चे ही देती हैं, फीमेल और मेल ब्रीडिंग पर्पज़ कोई स्टार्टिंग करना चाहते हैं इनके जरिए बहुत जल्दी ब्रीडिंग का बिजनेस कर सकते हैं, स्मॉल फिजिस में करना चाहते हैं तो एक मेल एक फीमेल रख देंगे, 15 दिन एक महीने बाद बच्चे पैदा होने लग जाएंगे, और ऑल सीजन बेबीज देते हैं ये लोग। तो आप लोग अब जो मछली देखने वाले हैं, ये प्लेटी फिश है, देखने में मौली के जैसे लगती है और छोटी फिश बहुत सारी फिश की जैसे लगती है, बट इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा डिफरेंट और यूनिक है। अब आप पूछेंगे ऐसी क्या यूनिक क्वालिटी है, ऐसा क्या इसमें डिफरेंट है। एक्चुअल में तो शांत मछली तो होती ही है, पेस्टफिल तो होती ही है, इसके साथ में इसका सबसे खास बात ये होती है कि ये अंडे देती है और उससे इसके बेबीज होते हैं, लेकिन ये मौली के साथ भी रह लेती है, गप्पी के साथ भी रह लेती है, और इसमें बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं, बहुत सारे कलर्स होते हैं। मैं छोटी मछली में वीडियो ट्रिक्टर जैसे आप लोग आज देख रहे हैं, रेड ग्रीन ब्लू पिंक, इसके पहले जो कॉम्बिनेशन बनता था मछलियों का कलर फिश का, वो प्लेटी हो गई, मौली हो गई, गप्पी हो गई, कुछ इन्हीं को मिला के छोटी मछलियों के ग्रुप बनाया जाता था नेचुरल और प्लांटेड टैंक में। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा, तो वीडियो को शेयर भी करेंगे, चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा।